हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसे पौधे की जानकारी देने जा रहे हैं जिसके बिना आपकी रसोई का स्वाद अधूरा है। दोस्तों, इस पौधे के बीज का यूज मसालों के रूप में होता है। ये हमारे खाने के स्वाद को बढ़ाते हैं। इसके अलावा डाइजेशन, वेट लॉस और आयुर्वेदा में अनेक दवाइयाँ बनाने में इनका यूज विशेष तौर पर होता है। दोस्तों, हम आपसे काली मिर्च के पौधे की बात कर रहे हैं। इस पौधे को उगाने के लिए गर्म तापमान की ज़रूरत होती है। 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में ये पौधे आसानी से ग्रो हो जाते हैं। इसके अलावा जाड़ों में 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का तापमान आपके राज्य में नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, काली मिर्च के बीज 30 से 40 दिन में अंकुरित हो जाते हैं। थोड़ा सा आपको सब्र रखना होता है और ये आसानी से हो जाते हैं। इसके अलावा 3 वर्ष के बाद इनके पेड़ों में फल और फूल आने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, भारत का केरला राज्य काली मिर्च का सबसे ज़्यादा बड़ा उत्पादक है। साउथ में इनकी खेती बहुत बड़ी मात्रा में होती है। तो दोस्तों, काली मिर्च के पौधे को 2 तरीके से उगाया जाता है। पहली विधि है आप इसको बीज के द्वारा उगाइए। इसके अलावा दूसरी विधि है कटिंग के द्वारा आप इसको उगा सकते हैं। जब आपको इसे कटिंग के द्वारा उगाना हो तो आप इसकी मोटी मोटी टहनियाँ ले करके उनको 45 डिग्री पर कट कर दीजिए और रूटिंग हार्मोन लगा के ज़मीन में गाड़ दीजिए। ये आसानी से हो जाते हैं, लेकिन आज हम आपको बीज से उगाने की विधि बताएंगे। दोस्तों, सीड से काली मिर्च को उगाने के लिए आपको बाज़ार से अच्छे और बढ़िया वाले काली मिर्च के बीज ले आने हैं और उसके बाद आप इन बीजों को इस तरीके से साफ पानी में डाल दें। तो दोस्तों, अब आप देख रहे होंगे कि इन बीजों को मैंने भिगाने के लिए इस गिलास में डाल दिया है। कांच के गिलास में इसलिए डाला है क्योंकि ये बढ़िया से आपको दिखाई देता रहे। तो दोस्तों, बीज डालने के बाद आप देख रहे होंगे कि कुछ बीज इसमें ऊपर तैर रहे हैं और कुछ बीज नीचे बैठ गए हैं, तो आपको इस एंगल से साफ दिखाई देगा ये। तो दोस्तों, जो बीज नीचे बैठ गए हैं आपको उन्हीं बीजों का इनको बुआई के लिए यूज में लेना है, और जो बीज ऊपर तैर रहे हैं ये, तो ये बीज बिल्कुल खोखले होते हैं, ये लगाने के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं, तो आप को इनको नहीं बोना है। अब आप हम इनको कम से कम 12 घंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ देंगे। तो अब हमारे काली मिर्च के दाने लगाने के लिए तैयार हो गए हैं एक रात भीग करके। अब हमें इनको गमले में लगाना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम नदी की या नाले वाली रेत ले लेंगे। आप ये देख सकते हो बिल्कुल बारीक रेत हमने ली है। फिर दोस्तों, 3 या 4 साल पुराना ये गोबर लिया है, आप देख सकते हो बिल्कुल चाय पत्ती की तरह। और यहाँ पर ये हमने मिट्टी बना ली है बिल्कुल बारीक सी। तो इन तीनों को हमें 2:1:1 के अनुपात में मिला लेना है। 2 हिस्से मिट्टी, 1 हिस्सा गोबर और 1 हिस्सा रेत। वे इसलिए क्योंकि पौधे लगाते समय मिट्टी अगर बिल्कुल हल्की होगी तो इसमें बीज का अंकुरण आसानी से हो जाएगा और जड़ें काफ़ी नीचे तक जाएंगी। तो दोस्तों, अब हमने गमले में मिट्टी, रेत और गोबर मिला के इसको तैयार कर दिया है। आप देख रहे होंगे मैंने उंगलियों से ये गड्ढे बना दिए हैं। तो हम इनमें ऐसे एक एक बीज डाल देंगे। तो हमको बहुत सारे बीज डालने हैं क्योंकि इनमें से कुछ बीज ख़राब भी हो जाएंगे। तो इस तरीके से जब हमारे पास ज़्यादा बीज होंगे तो ख़राब होने वाले बीजों की संख्या ज़्यादा नहीं रहेगी और कोई ना कोई जम ही जाएगा। तो इस तरीके से अब मैंने सब में इनको डाल दिया है बीजों को, और इस तरीके से अब हम इनको ऐसे छुपा देंगे। ये इस तरीके से इनको छुपा देना है। स्प्रे पंप की सहायता से इसमें पानी का छिड़काव करेंगे। डायरेक्ट पानी आप इनको मत दीजिएगा, क्योंकि आप डायरेक्ट पानी देंगे तो इनमें पानी से बड़े बड़े गड्ढे बन जाएंगे और कोई बीज ऊपर आ जाएगा, कोई ज़्यादा नीचा चला जाएगा। स्प्रे पंप की सहायता से बराबर बराबर इसमें पानी की मात्रा जाती है
और लगभग 30 दिन से 40 दिन में ये बीज ऊपर आ जाएंगे। अपने पेड़ों को अंकुरित कर लिया है तो उसके बाद आपको पौधे को दो तरीके से लगा सकते हो, गमले पर और ज़मीन पर। तो दोस्तों, अगर आपके पास पौधा तैयार हो गया है तो उसको आप दो विधि से लगा सकते हो। पहली विधि है आप किसी बड़े गमले को लो, उसमें उगाओ, लेकिन वहाँ पर रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आते हैं क्योंकि काली मिर्च का पौधा जो है 30-35 फीट की हाइट तक ग्रोथ में आ जाता है। तो आपको इसको मिट्टी में एक गड्ढा खोद के लगाना है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे। ये मैंने लगभग आधे फीट का एक गड्ढा खोद लिया है बढ़िया से। और अब दोस्तों, मैं इसमें धान की भूसी मिला रहा हूँ। ये इस तरीके से आपको थोड़ी सी भूसी जड़ में मिला लेनी है। शायद इसके बारे में आपको मालूम होगा कि धान की भूसी से जो है मिट्टी में अच्छा ऑक्सीडेशन भी हो जाता है और ये अच्छा फंगीसाइड भी है। और जब ये भूसी सड़ जाती है तो उसके बाद जो है आपके पौधे के लिए ये खाद का काम भी करेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है मेरे पास एक काली मिर्च का पौधा है, मैं इसको नर्सरी से लेकर के आया हूँ। तो आपको ये 60-70 रुपए से लेके 100 रुपए तक आसानी से मिल जाएगा। तो आपको नर्सरी से एक पौधा इस तरीके से ले आना है, और चाहें तो आप इसको बीज से भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप इन्हें बीज से ग्रो करोगे तो एक तो इनमें समय बहुत लगता है और दूसरा जो है काली मिर्च बहुत देर में आती है। तो साउथ में लोग इसको कटिंग से उगाना ज़्यादा बेहतर समझते हैं और इसी तरीके से इसको उगाते हैं। तो जो मिट्टी यहाँ पर आपको मिली हुई है पौधे के साथ, आपको यही मिट्टी रखनी है। और इसके अलावा दोस्तों, गमले में मैंने इसके लिए अलग से एक मिट्टी तैयार की है, आप देख सकते हो। इसमें धान की भूसी है, रेत है, मिट्टी है और 3 से 4 साल पुराना गोबर है। अब आपको पौधे को ऐसे सीधे पकड़ना है और इसके चारों ओर इसको डाल देना है, और जो मिट्टी आपको पहले से मिली है वो मिट्टी आपको नहीं हटानी है, क्योंकि उसको अगर आपने हटा दिया तो हो सकता है आपका पौधा मर भी सकता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इस तरीके से एक हल्की बनाई हुई मिट्टी मैंने इसमें डाल दी है। रेत मिलाने से भी मिट्टी काफ़ी हल्की बनती है और ऑक्सीडेशन अच्छा होता है। ठीक वही चीज़ धान की भूसी से होती है। गोबर की खाद आपके पौधे को बहुत सारे न्यूट्रिशन वगैरह दे देगी। और चाहो तो इसके अलावा थोड़ी बहुत धान की भूसी आप और डाल सकते हो। इसमें कीड़े लगने की संभावना भी ज़्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि कीड़े जो है ना धान की भूसी को नहीं खाते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको मिट्टी बना करके इसमें ये सब डाल देना है और फिर इसको हम ऊपर से और थोड़ा मिट्टी से ढक देंगे। ये ऐसा करने से अब जो ऊपर से मैं और मिट्टी डाल रहा हूँ तो इस पौधे को सहारा मिलेगा, क्योंकि गर्मियों में हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं और पौधा हिलने से, मूल मिट्टी से इसके जड़ों के हिलने की संभावना ज़्यादा हो जाती है और वे सूख भी सकते हैं। तो इस तरीके से आपको डालना है। धान की भूसी डालने से दोस्तों इसमें नमी भी बने रहती है आपके पौधे में, और इसको आप पेड़ के किनारे ही लगाएं। बहुवर्षीय पौधा है, 30-35 फीट ऊपर तक ये चला जाता है। और आपको अब इसमें हल्का हल्का पानी फुहारे की सहायता से दे देना है और कुछ ही समय में ये पौधा ग्रोथ करने लग जाएगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।